गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टू, वेलकम इन आवर चैप्टर 13, अर्थ. सी इन द पिक्चर यू कैन सी दिस इज ग्लोब. ग्लोब मीन्स इट इज़ द मॉडल ऑफ अर्थ. हमारी अर्थ ऐसे ही होती है जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं. इन दिस चैप्टर, इन चैप्टर 13 द अर्थ, यू विल लर्न अबाउट द अर्थ एंड इट्स लैंड फॉर्म्स. इसके लैंड के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ पर किस तरह के का लैंड है और अर्थ पर क्या है, अर्थ कैसा है, इसका शेप कैसा है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. वी लिव ऑन द अर्थ. हम सब जानते हो ना कि हम सब अर्थ पर रहते हैं, धरती पर रहते हैं. इट इज़ आवर होम. ये हमारा घर है. घर क्यों है? बिकॉज वी ऑल लिव हियर. हम सब यहाँ रहते हैं इसलिए ये हमारा घर है. इट इज़ राउंड इन शेप. और इसका शेप कैसा है? राउंड है. अर्थ का शेप राउंड है, गोल है, जैसा कि आप ग्लोब में देख रहे हैं. देयर इज एयर ऑल अराउंड द अर्थ. और अर्थ के चारों ओर एयर है. अर्थ के चारों ओर एयर है. देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन द अर्थ. और अर्थ पर जितना आप लैंड देख रहे हैं उससे अधिक वाटर है. ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, ये वाटर है. वाटर बॉडीज हैं, सीज हैं, ओशंस हैं. तो जितना लैंड है उससे ज़्यादा वाटर है. वी लिव ऑन लैंड. अब ये दो ही चीज़ें हैं अर्थ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं लैंड है और वाटर है. तो हम कहाँ रहते हैं? हम वाटर में तो रहेंगे नहीं, हम लैंड पर रहते हैं. ये जो थोड़ा सा पार्ट है लैंड का, उस पर हम रहते हैं. द अर्थ इज़ ऑल्सो द होम फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स. और ये अर्थ जो है ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स का होम नहीं है, मतलब हम आदमी लोगों का ही होम नहीं है. इस पर तो प्लांट्स भी रहते हैं और एनिमल्स भी रहते हैं. प्लांट्स भी इसी पर ग्रो होते हैं, इसी लैंड पर, और एनिमल्स भी रहते हैं. अ स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड अ ग्लोब. और अर्थ का एक स्मॉल मॉडल, अर्थ तो बहुत बड़ी है लेकिन उसी बहुत बड़े अर्थ को छोटा मॉडल बना करके दिखा दिया जाता है. सब कुछ वैसे ही रहेगा, एक बॉल जैसा छोटा सा, फुटबॉल या उससे बड़ा थोड़ा सा साइज, जिस भी साइज में लेंगे, ग्लोब बनाया जाता है. और ग्लोब में वो सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं जैसे अर्थ पर होती हैं. तो ये स्मॉल मॉडल है. ग्लोब क्या है? अभी आपको मेन चीज़ देखना है. ग्लोब क्या है? ग्लोब अर्थ का स्मॉल मॉडल है. अ स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब. अब चलो हम पढ़ते हैं कि इस अर्थ पर ये जो लैंड है, लैंड और वाटर टू थिंग्स आर देयर. तो लैंड जो है, ये लैंड कैसा, क्या एक ही जैसा है पूरा लैंड या अलग अलग है? यस, दे आर डिफरेंट. तो ये अलग अलग हैं, एक ही जैसे नहीं हैं. चलो देखते हैं. लैंड फॉर्म्स मतलब लैंड किस तरह का है. द लैंड इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर. अभी मैंने बताया ना कि लैंड जो है वो हर जगह सेम नहीं है, ये अलग अलग है. देयर आर प्लेन्स, हिल्स, माउंटेन्स, वैलीज, प्लेटूज एंड डेजर्ट्स ऑन द अर्थ, ऑन द लैंड. इस लैंड पर क्या है मालूम है? प्लेन एरिया है. प्लेन एरिया है जैसा कि आप यहाँ रह रहे हैं, जैसे बांसी, सिद्धार्थ नगर, यूपी, ये सब प्लेन एरिया है. ठीक है, जैसे आप देखते हैं ना, आप खेत में देखेंगे तो एकदम प्लेन दिखता है, बेड जैसा, एकदम जैसे बेडशीट बिछाई गई हो, प्लेन है. और अगर माउंटेन्स होते तो प्लेन दिखता नहीं. तो इस तरह से प्लेन एरिया है. माउंटेन एरियाज भी हिल्स हैं. हिल्स माने छोटे माउंटेन्स जो होते हैं, स्मॉल माउंटेन्स को हम हिल्स कहते हैं. तो हिल्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, वैलीज होती हैं. वैलीज मीन्स टू माउंटेन के बीच में जो प्लेस होता है, दैट इज़ कॉल्ड वैली. एंड प्लेटूज होते हैं. प्लेटूज मीन्स जो अर्थ से थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट होता है, टेबल की तरह, उसको प्लेटू कहते हैं. एंड डेजर्ट्स ऑन द लैंड. और डेजर्ट्स मीन्स क्या होता है? रेगिस्तान. रेगिस्तान मीन्स सैंडी एरिया, जहाँ बालू ही बालू हो, हाँ, दैट इज़ कॉल्ड डेजर्ट. तो ये सारे लैंड फॉर, ये सारे फीचर्स हैं हमारे लैंड पर. ये सब तरह के लैंड हैं. इसमें से बहुत आपने शायद देखा भी होगा, आप कहीं विजिट करने अगर गए होंगे तो आपने देखा भी होगा. प्लेन्स, अब चलो हम प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं. जो लैंड फॉर्म में मैंने दिखाया अभी आपको कि प्लेन, हिल, माउंटेन, वैलीज, प्लेटूज और डेजर्ट होते हैं, इसमें चलो प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं कि प्लेन्स क्या हैं. प्लेन्स, फ्लैट लैंड एरियाज आर कॉल्ड प्लेन्स.
जो फ्लैट लैंड होता है, अभी मैंने आपको बताया था ना कि आप देखेंगे तो एकदम सीधा प्लेन दिखाई देता है, तो वो उस एरिया को जो फ्लैट होता है उसको प्लेन्स कहते हैं। प्लेन्स आर गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, और क्रॉप्स मीन्स फसल जो खेत में उगाते हैं ना, धान गेहूँ ये सब क्रॉप्स होते हैं। ये सब क्रॉप्स ग्रो करने के लिए प्लेन एरिया जो होता है, जैसे आप जहाँ रह रहे हैं यहाँ, तो ये बहुत ही अच्छा लैंड होता है। यहाँ क्रॉप्स बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो होते हैं। प्लेन्स आर यूजली हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर, और प्लेन क्या होते हैं, समर सीजन जब होता है तो ये हॉट होते हैं, यहाँ गर्मी पड़ने लगती है, और जब विंटर सीज़न आता है तो यहाँ ठंडी पड़ती है। जैसे कि अभी समर सीज़न है तो यहाँ गर्मी पड़ रही है। मोस्ट पीपल लिव इन द प्लेन्स, और हमारे कंट्री में जितने भी हमारे कंट्री में रहते हैं पीपल, उसमें से बहुत ज़्यादा पीपल कहाँ रहते हैं, प्लेन एरियाज में रहते हैं। तो ये प्लेन हो गया। अभी हिल्स के बारे में पढ़ेंगे। एरियाज ऑफ द अर्थ विच आर एट द हायर लेवल देन द ग्राउंड आर कॉल्ड हिल्स, ऐसे एरियाज जो अर्थ से ऊपर होते हैं, हाई होते हैं, उनको हिल्स कहते हैं। द लैंड ऑफ हिल्स इज रॉकी, और हिल्स का जो लैंड होता है, हिल का जो ग्राउंड होता है, जमीन होती है, वो रॉकी होती है, वो रॉक्स होते हैं, चट्टाने होती हैं। हिल्स यूजुअली हैव अ फाइन वेदर, और हिल्स पर जानते हैं आप कैसा वेदर होता है, फाइन वेदर होता है, अच्छा वेदर होता है, ना बहुत गर्मी ना बहुत ठंडी, थ्रू आउट अ ईयर, पूरे साल भर। देयर आर मेनी टूरिस्ट प्लेसेस ऑन हिल्स, बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं हिल्स पर। क्यों होते हैं, क्योंकि बहुत लोग वहाँ विजिट करने आते हैं, देखने आते हैं वो जगह, इसलिए वो टूरिस्ट प्लेस होता है। सी चिल्ड्रन, दिस इज द पिक्चर ऑफ हिल्स, ये हिल का पिक्चर है। देखिए ये ग्राउंड से ऊपर उठा हुआ है ना, देखिए ग्राउंड से ऊपर उठा हुआ, ये ग्राउंड है, इसके सरफेस से, इसकी सतह से ऊपर उठा हुआ है, तो ये हिल्स है। यहाँ बहुत ही अच्छा वेदर होता है। एंड दिस इज द प्लेन एरिया, ये प्लेन एरिया है, जैसा कि आपके बांसी, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, यूपी में ये सब देख रहे हैं ना, ऐसे ही होता है लैंड, हिल्स तो होते नहीं हैं, तो ये प्लेन एरिया, यहाँ क्रॉप्स बहुत ही अच्छे ग्रो होते हैं। सी चिल्ड्रन, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ माउंटेन, अभी मैंने बताया था ना कि हिल्स जो हैं, स्मॉल माउंटेन्स को हिल्स कहते हैं, और बिग हिल्स को क्या कहते हैं, माउंटेन्स कहते हैं। ये माउंटेन है, और ये जो पॉइंटेड पॉइंटेड आप देख रहे हैं पिक्चर, इसको क्या कहते हैं, पीक कहते हैं, PEAK, पीक। दीज आर पीक्स ऑफ द माउंटेन्स, ये माउंटेन के पीक्स होते हैं, और बहुत सारे माउंटेन्स ऐसे होते हैं जो पूरे ईयर, पूरे साल भर तक बर्फ़ से ढके होते हैं। देखो ये व्हाइट व्हाइट क्या दिख रहा है, व्हाइट व्हाइट ये बर्फी है, स्नो से कवर्ड होते हैं। माउंटेन्स, हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स, अभी मैंने बताया था कि जो हाई हिल्स होते हैं, बड़े बड़े हिल्स होते हैं, वो माउंटेन्स कहलाते हैं। सम हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो, और कुछ हाई माउंटेन्स ऐसे होते हैं जो स्नो से कवर्ड होते हैं। द पॉइंटेड टॉप ऑफ अ माउंटेन इज कॉल्ड अ पीक, और जो पॉइंटेड टॉप देखते हैं ना, नुकीला पार्ट देखते हैं, उसको क्या कहते हैं, पीक कहते हैं, PEAK, पीक, चोटी। स्टूडेंट सी, दिस इज द पिक्चर ऑफ वैली, वैली मैंने बताया ना, टू माउंटेन्स के बीच में जो स्पेस होता, प्लेस होता है ना, लो लैंड होता है जो, उसको क्या कहते हैं, वैली कहते हैं। ये वैली होता है, और ये वैली जो होता है, ये बहुत ही फर्टाइल होता है। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ होता है, उपजाऊ मीन्स जहाँ क्रॉप्स अच्छे तरीके से ग्रो होते हैं, अच्छी क्रॉप्स, अच्छी फसल ग्रो होती है। तो ये, और क्या होता है, यहाँ फॉरेस्ट भी होते हैं, ये फॉरेस्ट से कवर भी होते हैं। वैली, अ लो लैंड बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स, दो माउंटेन्स के बीच में, अगर टू माउंटेन्स हैं या टू हिल्स हैं उसके बीच में, इस तरह का मैंने बताया ना अभी दिखाया प्लेस जो होता है, उसको वैली कहते हैं। अ वैली इज़ अ वेरी फर्टाइल लैंड, बहुत ही फर्टाइल होता है ये, क्रॉप्स ग्रो ईजिली देयर, वहाँ क्रॉप्स भी बहुत अच्छे ग्रो होते हैं। देर आर थिक फॉरेस्ट इन द वैलीज, और यहाँ थिक फॉरेस्ट होते, बहुत ही घने जंगल होते हैं। नाउ चिल्ड्रन सी नेक्स्ट पिक्चर, दिस इज अ पिक्चर ऑफ प्लेटू। प्लेटू मीन्स जानते हो क्या होता है, प्लेटू मीन्स, प्लेटू भी एक लैंड फॉर्म है, ये ग्राउंड से जो सतह होता है, जो सरफेस होता है अर्थ का, जो ग्राउंड होता है उससे ऊपर उठा होता है। देखिए ये ग्राउंड का सरफेस है, इससे ऊपर ये उठा है,
टेबल जैसा, और ये इतना ही दूर नहीं ऊपर, ऐसे बहुत दूर तक ये ऊपर उठा होता है, तो ये टेबल जैसा होता है। ये टेबल जैसा होता है इसलिए इसको हम टेबल लैंड भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? टेबल लैंड भी कहते हैं। प्लेटू, अ फ्लैट हाई लैंड विच लुक्स लाइक अ टेबल टॉप इज कॉल्ड अ प्लेटू। जो टेबल के टॉप की तरह दिखता है, जिस पर टेबल पर आप बुक कॉपी रख के जो रीड करते हैं ना, स्टडी करते हैं, उस तरह से जो दिखता है वो प्लेटू कहलाता है। टेबल आपके ज़मीन से फ्लोर से ऊंचा होता है ना, और ऊपर फ्लैट होता है। अ प्लेटू इज़ ऑल्सो नोन एज टेबल लैंड, इसको हम टेबल लैंड भी कहते हैं। नाउ सी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने से। दिस इज़ आइलैंड, इसको आइलैंड कहते हैं। वाह, कितना अच्छा लगता होगा ना अगर यहाँ जाने मिले तो। ये देखिए, आइलैंड मीन्स लैंड का वो पार्ट जो चारों तरफ से वाटर से घिरा हो, जो चारों तरफ से वाटर से घिरा हो, इस तरह से लैंड के पार्ट को हम क्या कहते हैं? आइलैंड। दिस इज आइलैंड, सी, ये चारों तरफ पानी ही पानी है, तो ये बीच में जो पार्ट है लैंड का, इसको आइलैंड कहते हैं। आइलैंड, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय वाटर इज कॉल्ड एन आइलैंड। आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड्स, वेयर देयर इज वाटर ऑल द साइड्स, सो दैट पार्ट ऑफ लैंड इज कॉल्ड द आइलैंड। नेक्स्ट, डेजर्ट, ये देखिए, दिस इज द पिक्चर ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट अभी मैंने बताया ना, सैंडी एरियाज आर देयर, दीज आर सैंडी एरियाज, ये सैंड वाले एरियाज होते हैं, यहाँ सैंड पाया जाता है, बालू ही बालू पाया जाता है। दिस इज डेजर्ट, रेगिस्तान कहते हैं इसको। यहाँ बहुत ही कम रेन होती है, वेरी लिटिल रेन और नो रेन, या तो बारिश बहुत ही कम होती है या फिर नहीं होती है, इसीलिए यहाँ प्लांट्स नहीं ग्रो होते हैं और लैंड भी सैंडी होता है। बहुत ही कम प्लांट्स होते हैं और ट्रीज होते हैं, और बहुत ही कम पीपल रहते हैं यहाँ। आपको पता है शिप, कैमल पाया जाता है, और कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं। डेजर्ट, सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ विथ वेरी लिटिल और नो रेन आर कवर्ड विथ सैंड, दे आर कवर्ड विथ सैंड, वो पूरे सैंड से कवर होते, बालू से, दे आर कॉल्ड डेजर्ट्स, उनको डेजर्ट्स कहते हैं। वेरी फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन द डेजर्ट, और डेजर्ट एरियाज में बहुत ही कम प्लांट्स पाए जाते हैं और बहुत ही कम एनिमल्स पाए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में हम, नेक्स्ट क्लास में हम वाटर बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो आपने लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ा ना, कि किस तरह का लैंड होता है। नेक्स्ट क्लास में आप वाटर बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप चैप्टर को रिवाइज कीजिए, रीड इट अगेन एंड अगेन 2-3 टाइम्स, एंड टेक हेल्प ऑफ योर एल्डर्स। थैंक यू।